हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले अप्रैल 2024, जो मतलब अभी रिसेंटली पेपर हुआ था टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में, और वहां पर जो क्वेश्चन नंबर टू में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, डेट इज द ओवरहेड का चैप्टर था। और इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये वीडियो नंबर हमारा 6 है, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप लोग ने हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना। ऑलमोस्ट हम लोग ने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग ने क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज अ 5 डिपार्टमेंट, PQR, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वही अगर हम लोग बात करें M और N कौन सा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है। ये पूरा क्वेश्चन अगर कोई भी स्टूडेंट्स को, अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही अगर चाहिए तो प्लीज आप पहले व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इसका पूरा सोल्यूशन देखने वाले, क्वेश्चन में क्या बोला गया है बनाने के लिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोविंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलो। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना, इच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करेंगे कवर करने लिए। और इसके जो पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड की वो है फॉर्मेट का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 1। अगर आप लोग देख लोगे डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं बोलता हूं ये वीडियो में मैं सम कैसे कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया जरा देखो आप लोग एकदम ध्यान से, 20 मार्क्स का सम है। और मैं इसको कोशिश करूंगा कि 20 मिनट से भी पहले क्या कर सकूं, सॉल्व करवा सकूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो क्या लिखा मैंने, इन द बुक्स ऑफ एक्सवाइजीमेंट। तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोग के लिए पूरा फिर से क्वेश्चन उतार के रखेला हूं, ताकि यहां से आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लिखना है, यहां लिखेंगे एक्सपेंसेस एलोकेशंस टोटल, डिपार्टमेंट तुम्हारे टोटल कितने हैं, PQR। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, M और N। तो यहां पर हम लोग ने सर्विस लिख दिए और N लिख दिए, ठीक है। PQR ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और MNN कौन सा हो गया डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या कर लिए है, एक्सपेंसेस लिख कर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलमोस्ट ये जो हमारे खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, ये ना जनरल ओवरहेड, रिपेयर्स, फायर इंश्योरेंस, रेंट, सुपरविजन, पावर, ये जो एक जो सिंगल अमाउंट होता है ना, जो सिंगल वो हमारे खर्चे होते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, सारी चीजें जैसे जनरल ओवरहेड लिख दिया मैंने, रिपेयर्स ऑफ मेंटेनेंस मशीन्स लिख दिया, फायर इंश्योरेंस, ये सारी चीजें लिख लिया। सर आपने सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस लिखे, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बॉक्स में अगर आपको डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल है तो हैज इट इज आपको लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का। कौन सा लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ सर्विस। तो यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट वेजेस, तो सर्विस कौन सा मेरा, M और N। तो मैंने 14,000 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूंगा, 14,000 कितना इजी है, एलोकेशन में लिखूंगा डायरेक्टली ऑलरेडी मुझे दिया था, और यहाँ पे टोटल को दोनों को प्लस कर लूंगा, 28,000 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जनरल ओवरहेड, यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया था प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 30 कैंसिल करेंगे, फिर 30 कैंसिल करेंगे, अगेन 30 जन 30 जन 30। तो आपको क्या मिलेगा, देखो 7 की टेबल में सारी चीजें जाती है, ये हो जाएगा 7 8 जा, ये हो जाएगा 7 3 जा, 7 5 जा, 7 2 जा, ये 2। तो रेशियो क्या मिला आपको, 8 3 5 2। तो यहां पे लिख दो 8 3 5 2, ठीक है। ये टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका, 2,50,000। कैसे बांटना है मैं आपको एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 2,50,000 इंटू पहला क्या रेशियो है, 8 डिवाइड बाई 8 + 3 कितना होता है, 11, 11 प्लस 5 कितना होता है, 16, 16 प्लस 2 कितना होता है, 18, 18 प्लस 2 20। तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखोगे, 20। चलो कैलकुलेशन करते, कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, बाकी और कुछ भी नहीं है। 2,50,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, सो यू विल गेट 1 लाख। कितना मिलेगा यहां पर आप लोगों को, 1 लाख, ठीक है। चलो अब फटाफट निकालते हैं हम लोग, 3 का निकालना, तो क्या लिखोगे, 2.5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 20, सो यू विल गेट 37,500, ठीक है। उसके बाद में कितना दिया, 5 रेशियो, लेकिन 2,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, सो यू विल गेट 62,500। अब 2 का निकालना हम लोग को,
ढाई लाख इंटू टू डिवाइड बाई 20, सो यू विल गेट 25,000। यहां भी लिखेंगे 25,000, यहां भी। क्यों सर? दोनों का सेम रेशियो है इसके लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे क्या दिया था? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन किसके बेसिस पे जाएगा बताओ? देखो, वैल्यू ऑफ मशीन्स के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? वैल्यू ऑफ मशीन्स। ठीक है, याद रहना है। तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख लिया वैल्यू ऑफ मशीन्स। एलोकेशन में क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ मशीन्स। इसका अमाउंट कितना था? 30,000 था। कितना था? देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कितना है? 30,000। तो यहां पे लिख दिया 30,000। चलो इसका रेशियो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मशीन्स का। तो देखो, पहले ये 40 कैंसिल करो, फिर से 40 कैंसिल करो, फिर से 40, अगेन 40, और यहां से 40 कैंसिल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। आगे क्या करेंगे? यहां पे 55, 44, 33, 22 और ये हो गया 11। चलो सबको, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? सबको प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस कर लेते। ठीक है, फटाफट कर लेंगे प्लस। 55 प्लस 44 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 11, तो 165 हो रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं। 55 प्लस 44 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 11। अच्छा, 11 के टेबल में सारी चीजें जाती है, तो कट करते हैं हम लोग। 11 वन जा, 11 टू जा, 11 थ्री जा, 11 फोर जा, 11 फाइव जा। तो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये रेशियो हमको बांटना है। अमाउंट कितना है? 30,000। तो लिख दो यहां पे 5, 3 कितना है? सॉरी, 5, 4 है ये, 5, 4, 3, 2, 1। चलो सबको प्लस करें तो कितना आएगा? 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 3, 12, 12 प्लस 2, 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। तो मतलब 30,000। ठीक है, ये जो 30,000 है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे, डिवाइड बाय 15। कितना मिलेगा आपको? पहले का मिलेगा 10,000, सेकेंड का क्या करेगा? 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, सो यू विल गेट 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में वापिस 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 15, सो यू विल गेट 6,000। फिर से 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 15, तो आपको मिलेगा 4,000। अब लास्ट का निकालना बाकी है हमारा। 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 15, सो यू विल गेट 2,000। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। एक बार फिर से लिखते हैं, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 15, सो यू विल गेट 2,000। डन। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है? ये हो गया फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। क्या दिया है? फायर इंश्योरेंस, जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 49। अब मुझे बताओ, फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब ये दो का तो ऑलरेडी है नहीं, तो उसका मुझे निकालने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा? फायर इंश्योरेंस, यहां लिखूंगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसका रेशियो फाइंड आउट करो, तीन ही रेशियो निकालना है। ठीक है, देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर जाएगा। तो ये पहले ये 40 कैंसिल करो, यहां से ये 40 कैंसिल करो, यहां से 40, तो 16:7:5। चलो ये तीन ही निकालना है मुझे, 16:7:5। ठीक है, एक बार चेक कर लो, अमाउंट वही है। वेरी गुड, चलो 1,16,000 है। चलो फटाफट करते हैं हम लोग, कितना अमाउंट है ये? 49,000 है। ठीक है, 49,000 को क्या करेंगे? 49,000 इंटू 16 डिवाइड 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 23, या तो हम लोग बोल सकते हैं 28 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 28, ताकि प्लस करने पे इतना आने का। तो पहले का आ गया 28,000, सेकंड का निकालेंगे 49,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 28, सो यू विल गेट 12,250। ठीक है, दो का लास्ट में नहीं निकलेगा। अगेन 49,000 इंटू कितना दिया है ये? 5 डिवाइड बाय 28, सो यू विल गेट 8,750। यहां डैश हो गया। अब दिया रेंट, रेंट किसके ऊपर जाएगा? डियर स्टूडेंट्स पता रहना चाहिए, फ्लोर स्पेसेस। रेंट किसके ऊपर जाएगा? फ्लोर स्पेसेस के ऊपर। देखो मैंने लिखा रेंट और यहां लिख दिया फ्लोर स्पेसेस। अमाउंट कितना है इसका? रेंट का दिया 1,08,000, तो यहां लिख दिया 1,00,000। चलो रेंट, ये फ्लोर स्पेस का रेशियो निकालते हैं।
पहले ये जीरो कैंसिल, फिर जीरो कैंसिल, फिर जीरो कैंसिल, फिर जीरो कैंसिल, फिर जीरो कैंसिल। अब कॉमन टेबल थ्री के टेबल में थ्री सिक्स जा, थ्री थ्री जा, थ्री फोर जा, थ्री नाइन जा, थ्री इंटू टू, तो सिक्स थ्री फोर थ्री टू, सिक्स थ्री फोर थ्री टू। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। 1,08,000 108,000 इंटू सिक्स डिवाइड बाई, प्लस करके बताओ, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन, फिफ्टीन डिवाइड बाई एटीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड बाई एटीन। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो बताइए हाँ डियर स्टूडेंट्स। 36,000 अगेन 1,08,000 इंटू थ्री डिवाइड बाई एटीन, तो कितना मिलेगा 18,000। देख लेते एक बार, 9 और 3 12, 12 और 16, 16 दो 18, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट वापिस से 1,08,000 इंटू फोर डिवाइड बाई एटीन, सो यू विल गेट अगेन 24,000। कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 24,000। नेक्स्ट चेक हमारा कितना है 1,08,000 इंटू फोर हो गया, अभी थ्री वाला इंटू थ्री डिवाइड बाई 18, सो यू विल गेट अगेन 18,000। ठीक है, मैंने तो बोल ही गया, डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते थे। लेस 108,000 इंटू टू डिवाइड बाई 18, सो यू विल गेट 12,000। थैंक्स। अभी है सुपरविजन, सुपरविजन कितना अमाउंट है 50,000 है। सुपरविजन जाएगा नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर, किसके ऊपर जाएगा नंबर ऑफ वर्कर, 12,536। अगर कुछ गलती हुई लेगी तो बताओ, ठीक है, थ्री है ये तो 12,6 होगी, कौन से टेबल में जाएगा 4,2,1,2,1, तो क्या मिला अपन को 4,2,1,2,1, 4,2,1,2,1। अगर कुछ अगर मैंने मिस्टेक किया रहे हो तो आप लोग सही कर लेना, समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट करते हैं हम लोग, कितना अमाउंट है 50,000 इंटू कितना है 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस डिवाइड बाय 10, सो आपको पहला मिलेगा 20,000। चलो फटाफट निकालते हैं, 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट 10,000। ये वापस से 1 आ गया तो इसका हाफ कर देगी तो हमको 5,000 मिलेगा, फिर से 10,000, फिर से 5,000। अब दो सबको प्लस कर लो, आपको 50 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब लास्ट है पावर, पावर देखो क्लियरली हॉर्स पावर ऑफ मशीन के ऊपर जाएगा। ऑलरेडी रेशियो दे दिया 3 का ही, 5,3,3, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5,3:3। चलो फटाफट निकालते हैं, 99,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, सो यू विल गेट 45,000। सेकंड का निकालेंगे फिर से, 99,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 11, सो यू विल गेट 27,000। यहां पर भी 27,000 आने वाला डियर फ्रेंड्स, लास्ट में डैश, ताकि यहां पे कुछ रेशियो नहीं दिया। अब ये पूरा सम हमने 2024 का क्या किए, एकदम इजी तरीके से सॉल्व किए। सेम टू सेम हम लोग आने वाले वीडियो में कौन सा करने वाले 2023 का, जो नवंबर में पेपर हुआ था उसको। ठीक है, ये जिसको भी अगर सोल्यूशन चाहिए, एक चीज बाकी हमारा टोटल, टोटल मतलब ये पूरा प्लस करना है। जैसे कि कितना था 28,000 था, कितना था 28,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 49,000 प्लस 1,08,000, सॉरी वापिस से नीचे से कर लेता हूँ, 99,000 प्लस 50,000 प्लस 108,000 प्लस 49,000 प्लस 30,000 प्लस 25,50,000, कितना यहाँ 2,50,000 प्लस 28,000, सो यू विल गेट 6,14,000। कितना मिल रहा है 6,40,000। अब क्या करेंगे तुम लोग, पूरा ये पूरा प्लस करके यहां लिखोगे, ये पूरा प्लस करके यहां लिखोगे। ठीक है, पूरा प्लस करने कहां से, ये कितना था 1,10,000, ये पूरा प्लस करके लिखना। अब जो भी आंसर आएगा चेक करना, 1,2,3,4,5, ये पूरा प्लस करने पे आपको ये अमाउंट मिलेगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, आप लोग चेक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये टैली हो गई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, टैली ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो यहाँ पे कुछ, लेकिन मैंने सारे रेशियो प्रॉपरली आपको मैंने प्रॉपरली बताया हूं।
सो डियर फ्रेंड्स प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ये 20 मार्क्स का एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।